नमस्कार देवी और सज्जनों, मायापुरी न्यूज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम तीनों यहाँ पर एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि गोविंदा जी ने आपकी अदालत में आके डेविड धवन के ऊपर कुछ तुच्छ टिप्पणी की थी कि डेविड धवन ने उन्हें धोखा दिया। तो आज इसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है नीतीश कौशिक जी और दूसरी तरफ है शशांक विक्रम जी। तो शशांक जी, आपका क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि डेविड धवन ने उनको धोखा दिया गोविंदा जी को? देखिए, गोविंदा जी ने एक्चुअली क्या हुआ था, जब उनका हाई टाइम था तो उन्होंने क्या किया कि संजय दत्त से मिले और संजय दत्त ने बोला कि एक पंजाबी जो न्यू कमर आ रहा है एज ए डायरेक्शन फील्ड में आना चाहता है, तो उन्होंने बीइंग अ पंजाबी क्योंकि उस टाइम में बहुत मदद किया कर रहे थे पंजाबियों की, तो उनको चांस दिया और बैक टू बैक 17 मूवी साथ में की और उनकी जो जोड़ी रही वो हिट रही। तो अब क्या हो गया है कि पॉलिटिक्स से बाहर आने के बाद उनका थोड़ा टाइम लो हो गया है, मतलब अब उतने उस पर नहीं है, तो उन्होंने गए उनके पास काम मांगने के लिए, तो उन्होंने डेविड धवन का रिस्पांस उस तरीके से नहीं आया, तो इस वजह से थोड़ा सा निराश हुए जिसमें लग गई। हाँ, ये सब बातें हुई हैं। तो नीतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि यार हर जगह ये लाइक बात हो रही है कि गोविंदा जी ने डेविड धवन का करियर बनाया। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बेशक 17 फिल्में करी है, लेकिन करियर कोई किसी का नहीं बनाता, वो करियर इंसान अपनी मेहनत से बनाता है, चढ़ता है उतरता है। आप जो ज्यादा सारा उसे काम देते हो, आपने काम उनके साथ इसीलिए 17 फिल्में की, इसलिए नहीं की कि वो एक पंजाबी थे, आपने इसलिए किया कि एक आपकी हिट हुई, फिर दूसरी हिट हुई, फिर तीसरी हिट, और आप भी हिट के लालच में उनके साथ काम करते चले गए। अब जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि 17 फिल्में मैंने उनके साथ की, मुझे नहीं लगता कि वरुण धवन जो उनके उनके बेटे हैं वो भी उनके साथ कभी 17 फिल्में करेंगे। देखिए, इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार ऑब्वियसली कभी भी कोई बेटा अपने पिता के साथ 17 फिल्में नहीं करेगा यार। हर किसी को आज का टाइम वर्सेटाइल एक्टर्स का है, वो हर डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि रोहित शेट्टी है, एक्शन डायरेक्टर है, बहुत सारे कॉमेडी डायरेक्टर हैं जो कॉमेडी बनाते हैं सिर्फ, तो अब तो बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई। जब तक आप वैरायटी नहीं दिखाओगे अपने टारगेट ऑडियंस को, तब तक वो आपको ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये, सबसे बड़ा दिक्कत ये। तो जैसे कि वर्सेटैलिटी आज के डेट में बहुत चल रही है, अक्षय कुमार जो कि वर्सेटैलिटी लेके एक्शन करते हैं, कॉमेडी करते हैं, रोमांस करते हैं, गोविंदा भी अपने टाइम पे एक वर्सेटाइल एक्टर थे, पर कहीं ना कहीं आज के डेट में नए यंगस्टर जो एक्टर है उन्होंने उनको ओवरटेक कर लिया है। देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे भाई ने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि यार हर किसी का एक टाइम होता है, उनका टाइम खत्म हो चुका है, इनको ये चीज मान ले, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बोला मैं एक मूवी की स्क्रिप्ट लेकर गया, वो ऋषि कपूर के साथ बनाने लग गए। यार जब वो मूवी बन रही थी आपने तब क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम तो सब जानते हैं गोविंदा जी अपने बातों पे कितने बेबाक रहते हैं, आपने 8 साल पहले बात क्यों नहीं रखी आप? और उसके बाद भी अगर इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं इसकी बात सुनना चाहता हूँ, ये क्या कहता है, और वो साइड से वो कहते हैं कि वो बहुत सवाल पूछने लग गया है, चीची को जो काम मिल रहा है कर ले, तो यार अगर आप एक इतने ही बड़े एक्टर अपने टाइम पे जो कि थे और आपने ही उनका करियर बनाया, तो आप क्यों 6 महीने बाद खुद से गए कि चल भाई जो तू कह रहा है वो मैं कर लूं? यार खुद में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी रिसेंटली भी उन्होंने बताया है कि इससे भी वो चर्चा में मतलब घिरे हुए हैं कि अवतार का जो जेम्स कैमरून की मूवी थी उसका उन्होंने टाइटल जो था उन्होंने सजेस्ट किया था उनको 10 साल पहले अवतार, और अब अवतार 2 आने वाली है, और अवतार 2 के टाइम वो ये बता रहे हैं कि अवतार 1 का मैंने हॉलीवुड की जो सबसे पहली मूवी लाइक जो 1000 करोड़ पता ना जाने कितने मिलियंस कमा कर गई, अगर वो ऐसा कुछ होता तो वो बंदा तभी आके बताता कि भाई इसका टाइटल मैंने रखा है, क्योंकि वो मेरे टाइटल से मूवी इतना नाम चल गई। ये राजेश खन्ना वाली अवतार नहीं थी गोविंदा जी, ये अवतार ये दूसरी, ये जेम्स कैमरून की मूवी थी। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं कि यार अब पॉलिटिक्स में नहीं चल पा रहे, मूवीज तो बोली जाओ जो चल रही हैं, तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो अ पब्लिसिटी। तो देखिए यार, ये कहना कि गोविंदा जी कितना सही बोल रहे हैं या कितना गलत, वो तो तब होगा जब सामने से उनका कोई बयान आएगा या उनको कमेंट करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। डेविड धवन ने कोई बयान भी नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है कौन सही कौन गलत। अब हमें वेट इसी बात का है कि डेविड धवन जी इस पे क्या कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और आपका क्या कहना है गोविंदा जी के इस कमेंट पे डेविड धवन के ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताना गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मायापुरी कट।